हेलो एवरीवन वेलकम बैक अगेन बेटा तो कहीं कैसे हो आप सब तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज ट्वेल्थ पॉइंट वन क्वेश्चन नंबर वन टू फोर तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है देखो इसने क्या बोला देयर आर ट्वेंटी गर्ल्स कितनी गर्ल्स हैं ट्वेंटी एंड फिफ्टीन बॉयज इन अ क्लास एक क्लास में ट्वेंटी गर्ल्स हैं और फिफ्टीन बॉयज हैं आफ्टर दैट वो पूछ रहा है वट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स जिसकी रेशियो पूछ रहा है वही लिखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं वट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखोगे नंबर ऑफ बॉयज इज गिवन टू बी फिफ्टीन उसके बाद क्या लिखोगे नंबर ऑफ गर्ल्स इज गिवन टू बी ट्वेंटी नाउ नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स रेशियो का मतलब क्या पहले डिवाइड करोगे ठीक है तो यहां से देखो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं फिफ्टीन बाय में ट्वेंटी अगर ये कैंसिल आउट हो रहे हैं तो बेटा क्या करोगे कैंसिल तो देखो थ्री सॉरी फाइव थ्री सा और फाइव फोर सा तो कितना आ गया थ्री बाई फोर इसकी रेशो फाइंड करनी है तो बेटा जो न्यूमरेटर है उसको रखो पहले जो डिनोमिनेटर है उसको रखो बाद में और बीच में क्या लगा दो तो रेशियो का साइन ये जो दो डॉट होती है इसको क्या बोलते हैं रेशो का साइन और बोलते कैसे हैं थ्री इज टू फोर क्या बोलते हैं थ्री इज टू फोर क्लियर अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे वट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज तो जो पूछे वही नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है बेटा ट्वेंटी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है कितने हैं नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स अगर मेरे को आपकी टोटल क्लास की स्ट्रेंथ निकालें तो क्या करूंगी जितने बॉयज हैं और जितने गर्ल्स हैं उनको क्या कर दू एट तो यहां से कितना बन गया ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन इट मींस थर्टी फाइव नाउ वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ टोटल तो यहां क्या आ जाएगा नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड by नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो चीज़ पहले दी हुई है उसको न्यूमरेटर बना दो जो चीज़ बाद में दी हुई है उसको क्या बना दो डिनोमिनेटर तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं ट्वेंटी नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं थर्टी फाइव पहले जितना कैंसिल कर सकते हो कैंसिल करो तो फाइव फोर जा फाइव सेवन जा तो पहले क्या लिखोगे फोर फिर क्या लिखोगे सेवन इन दोनों के बीच में किसका साइन आ जाएगा रेशो का क्लियर तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका क्या कह रहा है फर्स्टली यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट केयरफुली आप लोग अपनी बुक्स ओपन करके बैठे ताकि आपको ईजी हो जाए करना ठीक है तो अब देखो क्या, तो क्या कह रहे हैं बट वो क्या कह रहे आउट ऑफ थर्टी स्टूडेंट्स जो जो आपको कंडीशन गिवन है वो लिख लो तो क्या आ गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने गिवन है बेटा थर्टी आफ्टर दैट सिक्स लाइक्स फुटबॉल ठीक है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ब्रैकेट में लिख लेना स्टूडेंट्स ब्रैकेट में लिख लेना लाइक्स फुटबॉल आपको इजी हो जाएगा लाइक्स फुटबॉल कितने बच्चे हैं बेटे सिक्स आफ्टर दैट ट्वेल्व लाइक्स क्रिकेट तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे लाइक्स क्रिकेट कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट लाइक करते हैं ट्वेल्व कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट लाइक करते हैं बेटा ट्वेल्व ठीक है 12. अब देखो यहां पे क्या दिया हुआ है आफ्टर दैट रिमेनिंग लाइक टेनिस तो सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो क्या लाइक करते हैं लाइक्स टेनिस तो अगर टेनिस निकालना है तो क्या करूंगी जितने भी आपके टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें से फुटबॉल और क्रिकेट वाले को क्या कर दूँ माइनस तो देखो बेटा इज इक्वल टू थर्टी माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व तो क्रिकेट और फुटबॉल वालों को प्लस करके टोटल में से क्या कर दिया माइनस तो कितना बन जाएगा थर्टी माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्व एटीन तो कितना बन गया टेन माइनस एट टू टू में से वन गया वन तो कितने स्टूडेंट है ट्वेल्थ जो क्या पसंद करते हैं टेनिस ठीक है अब आगे आ जाओ अगला पार्ट क्या कह रहे हैं इसने बोला फाइंड द रेशियो ऑफ किसकी रेशियो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस ठीक है तो पार्ट ए में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस तो कितने हैं जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल यहां पे क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल तो फुटबॉल कितने बच्चे पसंद करते हैं सिक्स तो सिक्स बाय ट्वेल्व तो सिक्स वन जो सिक्स टू जो तो वन इज टू टू तो कितना आंसर आ गया वन इज टू टू ठीक है अब आज बी पार्ट पे. क्या कह रहे हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं ट्वेल्व और टोटल कितने हैं थर्टी ठीक है जितना कैंसिल कर सकते हो कैंसिल कर दो फोर थ्री फोर थ्री जो ट्वेल्व और फोर ये कैंसिल नहीं होगा फोर पे ठीक है तो यहां से देखो सिक्स टू जो ट्वेल्व सिक्स फाइव ज थर्टी तो आंसर कितना आ गया टू इज टू फाइव न्यूमरेटर पहले डिनोमिनेटर बाद में तो आंसर कितना आ गया टू इज टू फाइव क्लियर तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको ये फिगर गिवन है इस फिगर के अंदर आपको अलग अलग टाइप के फिगर्स गिवन है ठीक है तो उनकी आपने क्या निकालनी है रेशियो तो ठीक है सबसे पहले जो जो चीजें मेरे को गिवन है वो हम निकालेंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स तो सबसे पहले क्या लिखोगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स तो ट्राइंगल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ट्राइंगल्स कितने हैं वन ट्राइंगल टू ट्राइंगल और थ्री तो कितनी ट्राइंगल्स है टोटल थ्री आफ्टर दैट नंबर ऑफ सर्कल्स तो क्या लिखोगी नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं दिस इज वन सर्कल दिस इज सेकेंड सर्कल तो टोटल कितने हैं टू सर्कल्स आफ्टर दैट नंबर ऑफ स्क्वायर्स नंबर ऑफ स्क्वायर्स तो इसके अंदर स्क्वायर कितने हैं एक तो ये और एक ये तो कितना आ गया टू ठीक है अब उसके बाद क्या टोटल नंबर ऑफ फिगर्स ठीक है तो क्या लिखो नंबर ऑफ फिगर्स टोटल नंबर ऑफ फिगर्स तो क्या कर दो काउंट थ्री अब देखो कितनी है One, two, three, four, five, six, seven. कितने हैं टोटल सेवन टोटल आपके पास कितने हैं सेवन तीन दो दो तीन दो पांच और दो सात क्लियर अब उसने जो क्वेश्चन पूछे उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं फर्स्ट पार्ट आपका क्या है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आर तो क्या लिख दो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स

इज टू टोटल नंबर ऑफ फिगर्स आर सेवन तो आंसर कितना आ गया टू इज टू सेवन पार्ट नंबर सी नंबर ऑफ सर्कल्स तो क्या लिखोगे नंबर ऑफ सर्कल्स इज टू नंबर ऑफ ऑल फिगर्स ठीक है नंबर ऑफ सर्कल्स कितने हैं बेटा टोटल यहाँ पे टू तो टू इज टू ऑल फिगर्स आर गिवन टू बी सेवन तो यहाँ से भी आंसर कितना आ गया टू क्लियर तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड अब आते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर पे तो क्वेश्चन नंबर फोर आपका क्या कह रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद किसने हमीद ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की है नाइन तो हमीद पहले है तो डिस्टेंस में पहले किसकी होगी हमीद की तो क्या लिखोगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद ठीक है कितनी है नाइन किलोमीटर पर आर एक घंटे में नाइन किलोमीटर ठीक है अब उसने बोली उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अख्तर ए के एच टी ए आर अख्तर अख्तर ने कितनी ट्वेल्व किलोमीटर पर आर पर आर का मतलब है एक घंटे में ठीक है और ये आपके पास क्या है टोटल स्पीड जब आप ऐसे लिखते हो तो ये क्या बन जाती है स्पीड वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ हमीद टू अख्तर ठीक है तो यहां पे क्या निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड ऑफ हमीद टू स्पीड ऑफ अख्तर ठीक डिस्टेंस इज इक्वल टू अगर मैं बात करूं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ठीक है तो मेरे को क्या निकालनी है स्पीड तो देखो ध्यान से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम ठीक है तो यहाँ से स्पीड डिस्टेंस कितनी है नो no. स्पीड कितनी है निकालनी है टाइम कितना लिया एक घंटा ये मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड में कोई फर्क पड़ेगा नो no. तो स्पीड यहाँ से कितनी आ गई नाइन इसी तरीके से जब मैं दूसरा निकालूंगी तो यहाँ कितना आ जाएगा ट्वेल्व इज इक्वल टू स्पीड इन टू वन तो वो भी जाके डिवाइड में हो जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ से कितना आ गया डायरेक्ट हमीद को किससे डिवाइड कर दूँ अख्तर से ठीक है तो थ्री थ्री जे नाइन थ्री फोर जो ट्वेल्व तो कितना आ जाएगा थ्री इज टू फोर तो उनकी स्पीड की रेशियो कितनी थी बेटा थ्री इज टू फोर क्लियर तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच